चुनाव का फैसला कौन लड़ेगा हमारा नेतृत्व करेगा, मैंने आदमपुर की जनता की जो भावना है वो यहाँ तक पहुँचा दी। कुलदीप जी, किस तरीके की तैयारी आदमपुर में, प्रयास? आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य हरियाणा में नहीं है, और इन्होंने लोगों ने इनको दिल्ली में अजमाया, दिल्ली को डुबो दिया इन्होंने, लोगों ने इन्होंने पंजाब में बनाया, पंजाब में को नशे में डुबो दिया इन लोगों ने, तो ये तो भ्रष्टाचारी लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग, और आदमपुर कर हरियाणा के लोग समझदार लोग, ये इनके बहकावे में नहीं है। सोनाली कुमार को लेकर अलग अलग तरीके की चर्चा नहीं, बिल्कुल सोनाली फोगाट जी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और कल पहले उनके ससुराल वालों ने मेरा धन्यवाद किया था, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। आज हम यहाँ पर चुनाव समिति की बैठक है, तो किस उम्मीदवार को लड़ाना है उसका तय करके हम हाईकमांड को उसका नाम भेजेंगे, और उसके बारे में जो चुनाव की रणनीति भी यहाँ पर तय करेंगे। कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे का जो है नाम आगे आ रहा है, तो क्या किस प्रकार से नहीं तो आप चुनाव समिति के सामने किसका नाम आता है वहाँ देखेंगे ना हम। जी जी हाँ जी सर, एक जो WHO ने एक खूबसूरत है जो चार कंपनी उनको जानलेवा घोषित किया है, और जाम्बिया में 66 बच्चों की मौत भी हुई है, उसको लेकर क्या नहीं? वहाँ से WHO का समाचार आते ही हमने जो हमारा ड्रग कंट्रोलर है हमने उसको कार्रवाई करने के लिए कहा, और केंद्र सरकार ने भी हमारे हेल्थ सेक्रेटरी से बातचीत की है, और ये तय हुआ है कि हम अपने स्तर पर पहले सैंपल चेक कराएं कार्रवाई करने से पहले। तो जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है कलकत्ता में, उसमें हमने सैंपल भेज दिए हैं, और वहाँ टेस्टिंग होगी, और अगर कोई गलत रिपोर्ट आई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।